हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप थिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन टाइम डॉक्टर वंस अगेन। तो होप आप सब लोग घर पे ठीक होंगे और कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं सभी एक होकर, तो घर पे ही रहिए। तो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग M30S के, जो काफ़ी मेरे को मैसेजेस आए हैं, लॉट ऑफ मैसेजेस, जो मैंने 10 का आपको अपडेट दिया था कि एंड्रॉयड 10 आ गया है। अब इस केस में क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं डील करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने चलें, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ड्रोन टेक डॉक्टर मीन्स ड्रोन से इन्फॉर्मेशन टेक जो मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं लेने वाला हूँ आपके सवाल इसमें, जो कि काफ़ी आ रहे हैं। तो एक बड़ा कॉमन सवाल आ रहा है कि एंड्रॉयड 10, तो एक काफ़ी लोगों का आ रहा था कि हमारा फ़ोन जो है एंड्रॉयड 10 में जब चार्ज करते हैं तो गर्म हो जाता है। तो ये बहुत लोगों ने लिखा मुझे, और चार्जिंग के दौरान गर्म होना एक नॉर्मल चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कई बार ऐसा होता है कि हम चार्जिंग के दौरान इसका यूज़ कर रहे होते हैं और कईयों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, दैट इज़ हैपनिंग समटाइम्स। तो उसके मैं कारण बताता हूँ आपको क्या है। वो एंड्रॉयड 10 का उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो नॉर्मल फ़ोन जैसे आईफोन में या कोई भी फ़ोन है, अपडेट नहीं भी आया तब भी ये हो सकता है। तो उसको अवॉइड कैसे किया जाए, तो चार्जिंग के टाइम पे आपने कुछ ध्यान रखना है। अगर आपका लग रहा है कि फ़ोन, कई बार ऐसा होता है कि आपका फ़ोन अपडेट होता है विद नेट, कुछ चीज़ें होती हैं उसमें आपने ऑटो लगा रखा है फीचर कि ऑटो अपडेट हो जाए सारी ऐप्स जब भी हम चार्जिंग पर लगाएं, तो उसको आप ऑफ कर सकते हैं। तो उन चीज़ों की वजह से कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट्स होती हैं, तो उसमें मतलब वो शुरू हो जाता है कंज्यूम होना एनर्जी, जैसे आप चार्ज कर रहे हैं साथ में अपडेट शुरू हो जाती है। तो उस अगर अपडेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो काफ़ी गर्म हो जाता है, तो आपको कई बार ऐसे भी लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया, सड़ी ना जाए, तो ऐसा फीचर आता है। तो ये हो सकता है आपको एंड्रॉयड 10 के बाद किसी ने नोटिस किया हो तो वो एंड्रॉयड 10 का लिंक कर रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं है, तो नॉर्मल फ़ोन में भी ऐसा हो सकता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, और सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा एक आपका रिकमेंडेशन है कि जब भी आप फ़ोन चार्ज करें, अगर ऐसा करेंगे तो आपका फ़ोन एक तो चार्जिंग का ये गर्मी वाला जो फीचर है, हीटिंग फीचर से बचेगा, उसके बाद एक उसको एनर्जी मिल जाएगी फ़ोन को। जैसे हम आते हैं ना, हम थकते हैं, हम फिर थक के सो जाते हैं, हमारी मशीनरी को रेस्ट मिल जाता है। तो उस वजह से मैं पहले भी रिकमेंड करता हूँ, तो ये प्रैक्टिस करें कि जब भी आप फ़ोन चार्जिंग पर लगाएं, दिन में एक बार जब भी चार्ज में लगाते हैं या दो बार लगाते हैं, तो उस टाइम पे उसको स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ योर फ़ोन ड्यूरिंग चार्जिंग। अगर रात को लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रात को आपको मॉडर्न कॉल्स भी नहीं आएंगी, तो बहुत अच्छा समय है वो। उसको ऑफ़ करें एक दो घंटे के लिए, जितना भी टाइम लगता है आपके चार्जिंग में। फास्ट चार्जिंग है तो आधा घंटा लगेगा, पौना घंटा लगेगा, जो भी है डिपेंडिंग ऑन फोन। जब तक चार्ज हो रहा है फ़ोन, उसको स्विच ऑफ कर दें, स्विच इट ऑफ। तो ये आपका जो प्रॉब्लम है, एक तो हीटिंग वाला प्रॉब्लम गायब हो जाएगा। दूसरा क्या होगा इसका फ़ायदा, इससे आपका फ़ोन को जो कंजप्शन है काफ़ी चीज़ों में लगातार चल रहा है, तो वो रिफ़्रेश हो जाता है फ़ोन। तो मैं ये करता हूँ हमेशा, जब भी मैं चार्ज करता हूँ, इससे आपके फ़ोन की लाइफ बढ़ेगी। सो दिस इज़ रिकमेंडेशन कि आप जब भी चार्जिंग पे लगाएं, तो एक तो आपके फ़ोन को रिफ़्रेश मिल जाएगा, मशीनरी रिफ़्रेश हो जाएगी, रेस्ट मिल जाएगा, दूसरा चार्जिंग अच्छी हो जाएगी और ये हीटिंग इशू भी चला जाएगा पहला। अब दूसरा आपको बताते हैं क्या है इसमें, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि चार्जिंग से रिलेशन में है कि हमारा फ़ोन जो है ना, एंड्रॉयड 10 जब हमने अपडेट कर लिया है तो चार्जिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से लिंक्ड है। बात कैसे है कि कई बार वही अपडेट्स हो रही हैं, और जब अपडेट्स ज़्यादा हो रही हैं तो जो चार्जिंग आपकी उसमें जा रही है आपके फ़ोन में, तो ज़्यादा कंज्यूम भी हो रही है, तो उसको 100% होते होते टाइम लगता है। तो सोल्यूशन अगेन इज़ दिस कि आपको लगता है कि हमारी चार्जिंग ज़्यादा हो रही है उसके टाइम पे, तो सिंपली स्विच इट ऑफ एंड देन चार्ज, इसको स्विच ऑफ करके चार्ज करें, तो इसके आपके बहुत फ़ायदे हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब एक दो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे कि कैमरा को लेके, तो कैमरा का क्या था, कैमरा का बेसिकली ये है, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये अब 11 पिक्सल का हो गया या 16 पिक्सल का हो गया, या मतलब पिक्सल्स को आप, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो ये मोबाइल फ़ोन के जो कैमराज हैं, दीज आर जस्ट होल्स, ये छेद हैं
और इसमें क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर। तो इसके पिक्सल्स पे मत जाएं। अब ये इनका फ्लैगशिप फ़ोन है आईफोन का, तो ये जब बंदे जेन्युइन लिखते हैं कि हमारा ये जो है 12 मेगापिक्सल का है। अब आप इसका फ़ोटो को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत फ़र्क मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी इसमें लिखा होता है 48 मेगापिक्सल लिखा होगा, 48 मेगापिक्सल लिखा हुआ है इस पे कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी होती आईफोन पे। अभी आईफोन का जो ट्रिपल कैमरे वाला ये 11 प्रो है, उसमें भी कहीं भी ये चीज़ नहीं लिखी होती कि हमारा 50-60 मेगापिक्सल का। ये एंड्रॉयड वाले कर रहे हैं, ये एक गिमिक है। गिमिक का मतलब आपको पागल बनाया जा रहा है। तो कैमरे, फ़ोन के कैमरे में कभी भी इन छेदों के ऊपर जो लिखा होता है ना, या मैनुअल में या एड में, इसमें 50 मेगापिक्सल, इसमें 60 मेगापिक्सल, उस पर मत जाइए। जो हमारे पास मेन कैमराज होते हैं DSLRs और आजकल जो मिररलेस कैमराज होते हैं, उसमें भी इतना पिक्सल आपको नहीं मिलता है। सोनी के हाई एंड कैमरा में 40 तक या 26 मेगापिक्सल आपको मिलता है, तो ये छोटे से छेद में कैसे चलेगा? तो एक लॉजिक लगाइए, ये आपको पागल बनाया जाता है। तो क्या मैटर करता है इसमें जो सॉफ्टवेयर है मोबाइल में? अब जो इसका सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस मिड सेगमेंट फ़ोन। ये फ्लैगशिप है, ये मिड सेगमेंट है, तो इसका फ़र्क होगा। तो वही फ़र्क की वजह से फोटोग्राफ अच्छी आती है। तो कई मेरे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि जैसे हमने अपडेट किया तो फ़ोन में हमें कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है, पिक्सल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको मत कंसिडर करें। तो कैमरा कुछ भी नहीं है मोबाइल में, सारा खेल है सॉफ्टवेयर का। अब गुड लॉक ऐप के ऊपर बहुत क्वेश्चन स्टार्टिंग से आ रहे हैं, जब से मैंने ये शुरू किया। अब लोग सोच रहे थे कि इसमें जब एंड्रॉयड 10 का अपडेट आएगा तो वो हम ऐप गुड लॉक इंस्टॉल कर लेंगे। तो वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सैमसंग ऐसा नहीं है कि सभी फीचर्स आपको मिड सेगमेंट में ला के दे देगा। नंबर पॉइंट वन, उन्होंने जो 70-70 हज़ार के फ़ोन बनाए हुए हैं तो वो कौन लेगा? अगर सारे फ़ोन, सारे फीचर्स उनके इस 15 हज़ार वाले फ़ोन में आ गए तो उसको कोई बाय नहीं करेगा। तो इसलिए रीज़न है कि कुछ फीचर्स जो एक्सक्लूसिव हैं वो आपको इसमें नहीं मिल सकते। तो वो अगर आपने फीचर्स लेने हैं तो आपको डेफिनेटली इस सेगमेंट से उठ के दूसरे फ्लैगशिप सेगमेंट में जाना पड़ेगा। तो डोंट एक्सपेक्ट कि एवरीथिंग विल बी देयर इन मिड सेगमेंट फ़ोन। मिड सेगमेंट फ़ोन में नो डाउट काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, पर जो कुछ एक आधा फीचर जो है एक्सक्लूसिव है, तो वो मैं नहीं मानता कि बहुत अच्छा है कि उसके लिए आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। तभी मैं इसके लिए बहुत रिकमेंडेशन करता हूँ कि जिसको एक बहुत ही अच्छा फ़ोन मिड सेगमेंट चाहिए M30s का, तो वो ये बहुत अच्छा फ़ोन बनाए। अब हाँ, एक इससे मुझे बात क्या आ रही, M31 में एंड्रॉयड 10 के अपडेट से प्रॉब्लम आ रही है, मेरी रिपोर्ट हुआ है, तो वहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर है, ठीक है। अब इसके बाद जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है एंड्रॉयड 10 के ऊपर, वो आ रहा था और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत पहले से चल रहा है कि कॉलिंग का। लोग कह रहे हैं हमें कॉलिंग का सिग्नल का प्रॉब्लम इसमें है। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं जिनके पास ये फ़ोन है, तो प्लीज़ आप बताएं, कमेंट्स में लिखें अभी कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम है। तो ये हम वोटिंग कर लेते हैं, फिर मैं कमेंट्स में ना नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने लोगों का ये आया। मेरे को अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ विद रिगार्ड टू सिग्नल। तो जिस मेरे सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम है रिगार्डिंग सिम, तो वो प्लीज़ लिखें। और मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने पहले भी ये कई बार लोगों से पूछा है और सर्वे किया है, मतलब ऐसे ही, तो काफ़ी लोगों ने मुझे पॉजिटिव दिया है। तो रेशो कुछ ऐसा आता है, 10 में से 6 लोग कहते हैं हमारा सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है, 4 फिर भी मिलते हैं जो कहते हैं प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से सिग्नल का प्रॉब्लम फ़ोन का नहीं है, मेरे हिसाब से सिग्नल का प्रॉब्लम सिम का हो सकता है, सिग्नल का प्रॉब्लम आपके टावर लोकेशन का हो सकता है। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम फ़ोन का होता तो मेरे में भी, मुझे भी नोटिस होता, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। अब इसमें जो बेकार, मैं जो मतलब फीचर सही नहीं है, वो मैं अभी सबके सामने पहले ही बोला है फर्स्ट वीडियो में, अभी बोलता हूँ, इसके जो स्पीकर्स हैं देर आर नॉट गुड इनफ। आप उसको इस पर अगर आप स्पीकर पे चला के गाना सुनेंगे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जो क्योंकि ये मिड सेगमेंट फ़ोन है। इसका कैमरा के जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इस क्वालिटी की फ़ोटोज़ नहीं दे सकता, बट स्टिल काफ़ी अच्छी दे सकता है अगर आप इसको ढंग से यूज़ करेंगे तो। तो इस पे भी सारे मैंने कार्ड्स पे डाल दिए हैं। तो ओवर एंड ऑल, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो प्रॉब्लम लोगों को फेस हो रही थी। अब इसके अलावा भी आप कोई चाहते हैं ट्यूटोरियल इसके ऊपर बने,
और कुछ सवाल जो मैंने छोड़ मैंने रह गए वैसे मैंने कवर किए हैं, जो मेजरली लोगों ने पूछे हैं मैंने आपको इसमें डिस्कस कर लिए। स्टिल आई विल से इट इज़ द बेस्ट फ़ोन टिल नाउ। अब लॉकडाउन हो गया तो उसकी वजह से कोई लॉन्चेस मतलब अभी इस सेगमेंट में और अभी नहीं हो रही हैं, शायद डिले हो जाए, 1-2 महीने बाद आएंगे तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि इससे रिलेटेड कुछ और आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर। और ड्रोन लवर फ्रेंड्स जो है उनके काफ़ी क्वेरीज मेरे पास इकट्ठी हो गई हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ड्रोन्स की आपकी क्वेरीज को लेके होगा। वो मैंने इकट्ठा एक डॉक्यूमेंट बना लिया है जो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो मैं आंसर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जैसे मैंने इनका आज एंड्रॉइड 10 कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो ड्रोन क्वेश्चंस का होगा। तो एंड्रॉइड 10 के लिए आपको या इस फ़ोन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये था आज का हमारा एक इंटरेक्शन रिगार्डिंग जो कॉमन क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं एंड्रॉइड 10 के बाद क्या प्रॉब्लम आई है, कोई प्रॉब्लम है ये भी या नहीं। तो होप सो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिए हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड माई अदर वीडियोज़। और ज़रूर लाइक कर दें अगर अच्छा लगा हो तो, और ज़रूर M30s के बारे में ज़रूर लिखें ताकि लोगों तक अच्छा मैसेज जाए, ट्रू मैसेज जाए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखें, नेगेटिव कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी लिखें, तो वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा क्या हो, क्यों आ रही है प्रॉब्लम या किस लोगों किस हद तक प्रॉब्लम आ रही है, तो लोगों को इससे हेल्प होती है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर और स्टे होम। और अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ पे अपडेट आए रिगार्डिंग कोरोना वायरस कि क्या चल रहा है थेरेपीज पे, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं डेफिनेटली बना दूंगा। मैं चाहता हूँ ऐसे पर्सन बनाना ताकि आपको थोड़ा नॉलेज शेयर कर सकूँ कि कैसे तैयारी हो रही है, क्या चल रहा है, क्यों क्विनीन की गोली, क्विनीन की गोली होती है मलेरिया के लिए, वो किस तरह से कारागर है और किस हद तक कारागर है और क्या उसकी डिमांड अमेरिका ने क्यों की। तो वो अगर आपके मन में सवाल हैं और चाहते हैं कि मैं उसके जवाब आपको दूँ तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखें, तो आपकी डिमांड आएगी तो मैं ये ज़रूर वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच and stay home, stay safe. Thank you.